हेलो बच्चों, नमस्कार। जय श्री कृष्णा। कैसे आप लोग? बढ़िया हैं? चलिए बढ़िया रहिए। और आज हम आप लोगों के साथ 12th केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर का सेकेंड लेक्चर डिस्कस करेंगे। और मेरा सेकेंड लेक्चर में हम आप लोगों के साथ पढ़ेंगे क्या? कंसंट्रेशन। क्या पढ़ेंगे आज हम आप लोगों के साथ? आज डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन, जिसको मैंने बताया था कि कंसंट्रेशन को हम बड़े ब्रैकेट स्मॉल ए या की मोलरिटी या सी इतनी चीजों से डिनोट करते हैं। ठीक, तो जो हमारा कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन में हम दो तीन टर्म पढ़ेंगे जो कि आपको कंसंट्रेशन को डिनोट करेंगे कि ये आपका क्या होता है कंसंट्रेशन। तो पिछले लेक्चर में हमने आपको मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ लिए थे। आज हम इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे पहले मोलरिटी, देन नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन और पीपीएम। ये पांच चीजें डिस्कस करेंगे, फिर इनका हम आप लोगों के साथ क्या करेंगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल दीजिए मोलरिटी। मोलरिटी जिसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल एम से। क्या डाल दीजिए हेडिंग? मोलरिटी, जिसको हम डिनोट करेंगे किससे? कैपिटल एम से। तो पहले अपन समझते हैं कि मोलरिटी होता क्या है, उसके बाद हम इसको देखेंगे क्या। मोलरिटी पहले समझते होता क्या है, फिर उसके बाद हम इसका डेफिनेशन देखेंगे। यदि मैं मोलरिटी की बात करें, तो अपन लोग ऐसा करते हैं कि एक बीकर में अपन 1 लीटर सोल्यूशन ले लेते हैं। क्या लेते हैं? 1 लीटर सोल्यूशन। एक बीकर में आप 1 लीटर सोल्यूशन ले लो, या इसी को आप ऐसा भी बोल सकते हो 1000 ml सोल्यूशन। ठीक है, अब आप एक काम करो, इस बीकर में 1 लीटर सोल्यूशन में या 1000 ml सोल्यूशन में आप ऐसा करिए हैं कि जैसे मैंने 1 लीटर या 1000 ml सोल्यूशन ले लिया, तो इस सोल्यूशन में अपन ऐसा करते हैं नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या? नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट, है ना। तो आप इस 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट यदि मिक्स करोगे, तो जो आपका सॉल्यूशन मिलेगा उसकी जो कंसंट्रेशन है वो हमारा क्या कहलाएगा? मोलरिटी। यदि हम मोलरिटी के डेफिनेशन लिखें, तो मोलरिटी के डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं? नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट मिक्स्ड इन 1000 ml और 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। ठीक है, मतलब कि नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन, है ना, मिक्स्ड और डिजोल्व इन 1000 ml ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। ठीक है, या कि 1 लीटर मतलब नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। अब देखो, यदि मैं बोलूं कि मोलरिटी, तो मोलरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो मोलरिटी इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हो जाएगा आपका मोलरिटी। ठीक है, यदि हम इसको का फॉर्मूला बनाएं, तो मोलरिटी कैपिटल एम, तो नंबर ऑफ मोल अपॉन वी लीटर में। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना एन अपॉन वी लीटर में। तो यहाँ पे आपकी यूनिट हो जाएगी, यदि हम इसके यूनिट की बात करें, तो आपका यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर। यूनिट क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर। यदि हम इसी को वी अपॉन वी एम एल इंटू 1000 करते हैं, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर एम एल। क्या यूनिट हो जाएगी? मोल पर एम एल। अब इस फॉर्मूले को, सॉरी,
ये जैसा आपका लीटर हो गया, अब यदि हम इसी को मिलीलीटर में लेते हैं, एमएल में लेते हैं, तो एमएल में हो जाएगा एन अपॉन वी एमएल। यदि आप एमएल में करोगे तो ऊपर आपको 1000 का इनटू करना पड़ेगा, तो आपका इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो यूनिट हो जाएगा मोल पर एमएल। क्या हो जाएगा, मोल पर एमएल। चलिए इस फार्मूले को और हम डिटेल से देखते हैं थोड़ा सा। तो आपका जैसे मोलरिटी है, तो एन यानी मोल, तो मोल इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। क्या होता है, मोल अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो इस फार्मूले में आप एन की जगह ये रख दीजिए, तो हो जाएगा वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू 1000 अपॉन वी एम एल। ठीक है, तो यहां से आ गया आपका क्या, मोलरिटी। ये आ गया हमारा मोलरिटी। जो हमारा मोलरिटी होता है, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। क्यों, बिकॉज इंक्लूडेड आ वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम है और कंसंट्रेशन की हर एक यूनिट जहाँ वॉल्यूम होगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। मतलब कंसंट्रेशन की हर एक यूनिट जहाँ टेम्परेचर होगा वो वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। यदि वॉल्यूम नहीं है तो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। इसको बहुत अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा, है ना। तो ये हो गया क्या हमारा मोलरिटी। मोलरिटी मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। जिसके मैं यूनिट्स की बात करूं तो यूनिट थी इसकी क्या, मोल पर ml या मोल पर लीटर। ठीक, अब ये हो गया जैसे हमारा मोलरिटी। अब अपन एक काम करते हैं, इसी फार्मूले से एक क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। तो चलिए इसके साथ यदि हम क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन है, 40 ग्राम ऑफ NaOH लिखिए, 40 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व इन 250 ml ऑफ सोल्यूशन। 40 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व इन 250 ml ऑफ सोल्यूशन, सो कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ दी सोल्यूशन। तो आपको सोल्यूशन की मोलरिटी कैलकुलेट करना है, कोई दिक्कत नहीं। इसका सोल्यूशन कैसे होगा, तो सोल्यूशन इसको हम कैसे करेंगे, देखिए मोलरिटी का फार्मूला था वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू 1000 अपॉन वी एम एल। यहाँ पे आपको वेट दिया 40, वॉल्यूम दिया है, वेट 40 वॉल्यूम दिया 250। आपको मॉलिकुलर मास ऑफ NaOH 40 आएगा, 23 + 1 27 और 16, है ना, 23 + 24, मतलब इसका हो गया 23 + 16 + 1, तो ये हो जाएगा 40। तो चलिए यहाँ पे रख दीजिए आप। तो ये जैसे हमारा मोलरिटी था, तो हमने यहाँ लिखा मोलरिटी, वेट आपको दिया हुआ है 40 ग्राम, 40 मॉलिकुलर वेट आपका आया 40 × 1000 अपॉन आपका वॉल्यूम कितना दिया है, 250। मोलरिटी कितना आ गया, 4 mol/L, 4 mol/ml, है ना, या आप इसको 4 molar भी बोल सकते हो, 4 molar। तो ये आ गया आपकी क्या, मोलरिटी। ये आ गया आपका सोल्यूशन इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए यदि आप बोलो तो इस तरह के एक और क्वेश्चन डिस्कस कर ले, डिस्कस कर ले। चलिए ठीक है, तो लिखिए दूसरा क्वेश्चन। यदि मैं एक दूसरा क्वेश्चन आपको बोल दूं, हमारा क्वेश्चन है 120 ग्राम ऑफ यूरिया डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर
कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन। तो आपको सोल्यूशन की मोलरिटी कैलकुलेट करना है। तो कैसे करोगे आप लोग इस तरह का क्वेश्चन? तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा वही मोलरिटी इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इनटू 1000 अपॉन बीएमएल। ये हो गया हमारा फार्मूला, क्लियर? अब देखिए मोलरिटी आपको वेट कितना दिया है 120 ग्राम इनटू 1000। मॉलिकुलर वेट कितना होगा यूरिया का? यूरिया का मॉलिकुलर वेट ऑफ यूरिया फार्मूला मैंने बताया था NH2CO NH2, आप इसका कैलकुलेट करिए 60 आएगा मॉलिकुलर वेट। तो मैंने यहाँ लिख दिया 60 इंटू VML। दिक्कत क्या, यहाँ पे आपको 500 ग्राम वाटर दिया है, तो इसको हम ग्राम को वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो यहाँ पे देखिए ये हमारा ओनली फॉर H2O यानी कि वाटर। वाटर के लिए क्या होता है देखिए, तो वाटर के लिए यहाँ पे आपको डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वाटर का डेंसिटी 1, मास अपॉन वॉल्यूम यानी मास इक्वल टू वॉल्यूम फॉर वाटर। मतलब वॉल्यूम का जितना मास होता है उतना ही वॉल्यूम भी होगा। तो यहाँ पे हम इसको 500 ml भी बोल सकते हैं वाटर के लिए, क्लियर? तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 500, ये गया 2, ये गया 2, तो हो गया मोलरिटी इक्वल टू 4 मोल पर ml। ठीक है, ये हो गया आपका इसका सोल्यूशन किसका, 120 ग्राम ऑफ यूरिया डिजोल्विंग 500 ग्राम ऑफ वाटर। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर लोगे, ठीक है? ग्राम को आपने ml में कन्वर्ट कर दिया ओनली फॉर वाटर। ठीक, ये हो गया हमारा मोलरिटी। अब मैं मोलरिटी का एक स्पेशल केस लेते हैं आपके साथ। यदि मैं मोलरिटी का एक स्पेशल केस आपके साथ डिस्कस करें, मोलरिटी का एक और फार्मूला यदि हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, तो यदि मैंने बोला मोलरिटी इक्वल टू 10D इंटू वेट परसेंटेज अपॉन मॉलिकुलर वेट, ये एक हमारा स्पेशल फार्मूला है, ठीक है? इस फार्मूले में आपका डेंसिटी और वेट परसेंटेज इंक्लूडेड है। जो ये वेट परसेंटेज है आपको यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है, डायरेक्ट पुट द वैल्यू, आपको यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है। मतलब आपको इसको वेट को परसेंटेज में चेंज नहीं करना, जैसे आपको दिया 30%, आपको डायरेक्ट 30% लिखना है, ठीक है? आपको डेंसिटी दे दिया, डेंसिटी लिखना है, मॉलिकुलर मास निकालना है। कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डेंसिटी बेस्ड होते हैं, तो उन क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करेंगे? तो उन क्वेश्चन या जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया 10% WyW सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन, 10% WyW सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन इफ डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 0.98 ग्राम पर ml। यदि आपको सोल्यूशन की जो डेंसिटी है 0.98 ग्राम पर ml, सो कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन। तो उस सोल्यूशन की आपको मोलरिटी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देखिए 10% WyW सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन इफ डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 0.98 ग्राम पर ml, तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन। तो यहाँ पे अपने क्या करना है, देखिए हमारा जो सोल्यूशन यहाँ पे क्या होगा, तो हमारा मोलरिटी का फार्मूला क्या था, 10D इंटू वेट परसेंटेज अपॉन मॉलिकुलर वेट। यहाँ पे यदि हम बात करें गिवन, तो गिवन में आपको डेंसिटी दिया 0.98, ठीक है? आपको यहाँ पे वेट परसेंटेज गिवन है 10%, मॉलिकुलर वेट सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिकुलर वेट क्या होगा मैंने पहले भी निकाल के बता चुका हूँ, H2SO4 का मॉलिकुलर वेट 2, मतलब 2 प्लस 32 प्लस 16 चौको 64 यानी कि
सोलह चौको 64 यानी 98। ठीक है, चलिए हम फार्मूले में पुट कर दें, आ जाइए। तो मोलरिटी इक्वल टू 10 इंटू डेंसिटी 0.98 इंटू वेट परसेंटेज 10 अपॉन मॉलिकुलर वेट कितना हो जाएगा, मॉलिकुलर वेट हो जाएगा 98। ठीक है, ये दो पॉइंट से ये यहाँ पॉइंट आ गया, 98 से 98 आ गया हमारा आंसर 1। तो मोलरिटी हो जाएगा 1 मोल पर ml या 1 मोलर। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्या, मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन। तो मैं क्या बोला कि यदि आपको मोलरिटी कैलकुलेट करना है और ये आपके फार्मूले में मोलरिटी के साथ क्या दिया हुआ है, डेंसिटी और वेट परसेंटेज दिया है, तो आप इस फार्मूले का यूज करके डायरेक्ट कर सकते हो। तो आप इस फार्मूले को MTR कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, उसके बाद हम एक दो की पॉइंट्स और देखते हैं मोलरिटी। यदि हम मोलरिटी में मोल की बात करें, है ना, तो मोल होगा मोलरिटी इंटू वॉल्यूम लीटर में। लेकिन यदि हम यहीं पे मिली मोल की बात करें तो आपका मिली मोल हो जाएगा मोलरिटी इंटू वी ml। ठीक है, ये दो चीज़ें और याद रख लीजिए आपको। यदि आपको मोल कैलकुलेट करने हैं तो वॉल्यूम लीटर में, मिली मोल जो होगा तो वॉल्यूम मिली लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ये हो गया हमारा मोलरिटी। मोलरिटी के और भी फार्मूले हैं, हम नेक्स्ट आगे देखेंगे। इसके पहले हम